अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सस्ते घी का पैकेट मुझे चाहिए हो तो मिल जाएगा? मिल जाएगा, क्यों नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए। मुझे सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए और मुझे कुछ नहीं ले। मिल जाएगा? मिल जाएगा, जा ले। साथ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक घी का पैकेट चाहिए। मुझे सस्ता का पैकेट दे रहे हैं, दे ले आप, मिल जाएगा। दो भी मिल जाएंगे? मैडम देखिए, मेरी बात सुने, जिस जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना, मतलब ये है कि हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं वो चीज़। देखें, लोगों ने मतलब ये इस तरह लगे हुए हैं, दुकानदारी आके, आपको पता है कि हमें तो नहीं पता हो कि दुकानदारी के बार बार जो लोग वही चेहरे हमें नज़र आते हैं डेली, वही लेकर भी जाते हैं, गिला भी करते हैं, स्टोर वालों को करते हैं, हुकूमत का करते हैं, लेकर भी वही जाते हैं। ठीक है, पिछले दौर में तो कोई ना सब्सिडी थी ना कुछ भी, कोई बोला ही नहीं। ठीक है, अदारा बिल्कुल मतलब ज़ीरो पे था तो कोई नहीं बंदा बोला। ठीक है, अब देखें ये लोगों के लिए है, ये हमें, ये लोगों के लिए शाम तक चलता है, लोग ही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं। हम जाती तो इस्तेमाल ही नहीं करते, देते हैं सभी को, देते हैं, चीनी भी पड़ी है, घी पड़ा है, आटा पड़ा है, सब दे रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सर कोई ऐसी पॉलिसी है? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग बता रहे हैं कि जब तक आप चीज़ें नहीं खरीदेंगे आपको घी का पैकेट नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। आप भी बाहर चेक करें, एक फैमिली के 10 मेंबर आए हुए हैं, 5 आए हुए हैं, ये देखें लोग जब बाहर जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लें। ठीक है, 5 लोग हैं, मुख्तलिफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर एक घर को जाता है, ये शाम तक चलता है, यहाँ पे तकरीबन हम डील करते हैं 1000 कस्टमर। ठीक है, 1000 अगर इस तरह हम ओपन ज़्यादा एक बंदे को ज़्यादा देंगे तो देखें, एक दिन का एक कोटा है तो वो शाम तक चलाना होता है। ठीक है, अगर एक दिन में ज़्यादा देंगे तो जो लेट आएंगे ड्यूटी से, मतलब लेट में आएंगे तो वो तो रह जाएंगे, ये मसला है ना। तो इसलिए चलाने के लिए एक लिमिटेड कोटा है, डेली बेशक ले जाया करें, हमें कोई इतराज। अच्छा भाई साहब, चेहरे हमें नजर आते हैं। अच्छा मुझे, हाँ। नोट करें बाद में और पीछे चेक करें कि एक घर के अगर 5 अफराद हैं तो 5 वो ले रहे हैं, एक एक चीज के साथ 5 घी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है इसके। अच्छा पॉलिसी क्या है, कितने की चीज लेंगे तो घी का पैकेट मिलेगा, मैं वो पूछ रही हूँ। दे रहे हैं ना, मतलब ये एक बंदा ज्यादा डिमांड करता है तो उसको, उसके लिए बात रहता है। देखिए ना, लिमिटेड सारी जो एक चीज में जरूरत एक घी की है ना, तो एक ले जाया करें। ठीक है, अगर एक चीज़ के साथ तो मतलब एक बंदा डिमांड घी आटा चीनी की करता है और आता भी डेली है, तो फिर आप उसका हल बता दें उसका। अब भाई उसके उसके घर में 10-12 लोग हों, सुबह नाश्ता बने, दोपहर में खाना बने, शाम को 1 किलो घी तो लग जाएगा। वैसे फैमिली है तो मसला ये है कि यहाँ पे आप 10-12 घी है तो ज़रूरत घी आटा चीनी के अलावा भी है। ठीक है ना, तो हम ये तो नहीं करते उनके घरों में घी आटा चीनी पूरा ना हो तो वो क्या करें। कस्टमर ले रहे हैं हर लेकर, जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि एक पैकेट यूज़ हो जाता है रोज़ डेली दो खाने। यही मैं बात कर रही थी, आप खानदान चलाती हैं, आपको पता है एक पैकेट घी का 10-12 लोगों में एक दिन में लग सकता है या नहीं? लग जाता है, बेशक लग जाता है। हाँ जी लग जाता है। वो रोज़ लेने आएगा? रोज तो नहीं, कम से कम 2-4 दिन तो निकाल ही लेते हैं क्योंकि 2 पैकेट ले जाते हैं, कोई बात नहीं, इशू नहीं है ऐसा। अच्छा अब मिलता रहे बस। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे आसपास गरीब गुरबा हैं उनकी चीनी घी आटा ही पूरा नहीं होता तो वो बाकी चीजें वो कैसे लेके जाएंगे, केचप टूथपेस्ट साबुन सर? मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बजट ज़रा कम हो गया, ये मसला है। फैमिली तो उतनी की माशाल्लाह उतनी है। आपने कभी एक घी का पैकेट खरीदा आपको मिला या फिर साथ कभी हम सामान लेके जाते हैं तो जारी हमें मिलता है? ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये ख़त्म ना हो, ये मिलता रहे क्योंकि मरता वाला बहुत मसला हो जाता है कि ये मिलता नहीं है, 8-8 दिन ही मिलता, तो जब जब मिलता है तो रेगुलर मिलता है, ये है। अच्छा महंगाई कितनी, आपका किचन कैसा चल रहा है, कोई फर्क पड़ा या ठीक है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, जहाँ हम 4 चीजें लेके जाते हैं वहाँ पे 2 कर दिए, बहुत ज्यादा मसला बन गया हमें। पहले अल्लाह का चल रहा है। कितने की ग्रोसरी होती थी पहले महीने की, अब कितना बढ़ गया बजट? 10 की होती थी पहले, 10,000 की, अब 15 की हो गई है। कितने लोगों के लिए? माशाल्लाह 7 बच्चे। 7 लोगों के लिए पहले 10,000 में किचन चल जाता था लेकिन अब 15,000 रुपए देने पड़ते हैं।